Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we are going to learn the subject English, chapter 2.5, Autumn. Warming up. Question number 1. What changes do you see in nature in each of the following seasons? A few sentences are given below as examples. Use these and your own to describe your season appropriately. तुम अलग अलग वेदर्स में क्या क्या चेंजेस देखते हो, गर्मी में, ठंडी में, बारिश के मौसम में अलग अलग क्या चेंजेस देखते हो. नीचे सेंटेंसेस दिए गए, उसे और तुम्हारे खुद के सेंटेंसेस यूज़ करके अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग वेदर में, अलग अलग मौसम में क्या चेंजेस देखते हो बताना है. न्यू ग्रास स्प्राउट्स, नई घास उगती है. टेंडर लीव्स शूट आउट ऑन प्लांट्स और ट्रीज, एकदम छोटी छोटी लीव्स झाड़ और प्लांट्स में उगते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स रिटर्न, जो पक्षियाँ उड़ के गई है दूसरे जगह, दूसरे लैंड्स में, वो वापस आती है. द सन शाइन्स ब्राइटर देन बिफोर, सूरज पहले से ज़्यादा ब्राइट शाइन होता है. वी सी मिस्ट इन द मॉर्निंग, हमें सुबह सुबह मिस्ट दिखता है. ड्यू ड्रॉप्स होता है, वो सब दिखता है. देर आर सडन शावर्स एंड हेलस्टॉर्म, अचानक बारिश गिरता है. ट्रीज ब्लॉसम, ट्रीज झाड़ हरे भरे होते हैं. ए, नेम सिक्स सीजन्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर, विच ऑफ द सीजन्स इज इक्विवेलेंट टू ऑटम, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से छः सीजन्स कौन से है वो बताने हैं, छः मौसम कौन से वो बताने हैं, और इसमें से कौन सा मौसम ऑटम से इक्विवेलेंट है, ऑटम के बराबर है. बी, व्हाट चेंजेस डू वी सी इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हेन द सीजन चेंजेस, ह्यूमन मनुष्य के जीवन में हम क्या चेंजेस देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं जैसे जैसे सीजन बदलते हैं. राइट विथ रेफरेंस टू द क्लोथ्स डाइट सेलिब्रेशंस, उनके कपड़े, खाने और मौज मस्ती करने के बारे में लिखना है. सीजन बदलते तो क्या होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, गेस व्हाट इज पर्सोनिफाइड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, चूज फ्रॉम द ब्रैकेट्स, क्या पर्सोनिफाई किया है, गेस करना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है. वर्ड्स दिए गए, सन, सूरज, अलार्म, शॉक में होना, या फिर अलार्म का दूसरा मीनिंग होता है घड़ी. बर्ड मतलब चिड़िया, कार मतलब गाड़ी, विंड मतलब हवा, स्टार्स मतलब स्काई में तो स्टार्स होते तारे, मशीन मतलब मशीन जो औजार, जैसे हम गाड़ी एक मशीन है, इंडस्ट्री में मशीन होती है. ए, द वेरी डैश वॉज ऑल्सो पेट्रोल हंग्री. बी, द प्लेफुल डैश विसल्ड अमंग द ट्रीज. सी, द अनोइंग डैश स्क्रीम्ड एट 5. डी, द नॉटी डैश विंग्ड एट मी फ्रॉम अबव. ई, द राइजिंग डैश स्ट्रेच्ड इट्स आर्म्स. एफ, द चीयरफुल डैश सैंग एज इट पर्च्ड ऑन अ ट्री. जी, द टायरलेस डैश हम्प्ड एज इट वर्क्ड हार्ड. ऊपर जो वर्ड्स दिए हैं उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ऑटम बाय कालिदास, ट्रांसलेटेड बाय प्रोफेसर ए डब्ल्यू राइडो. उससे पहले थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाई इज ऑटम कॉल्ड मेडन फेयर, शरद ऋतु को मेडन फेयर क्यों कहा गया है. व्हाट इज द कूइंग ऑफ बर्ड्स कंपेयर टू, बर्ड्स की आवाज़ को किससे कंपेयर किया गया है जब वो सुबह सुबह आवाज़ करती है. हाउ डज ऑटम ड्रेस अप एट नाइट, ऑटम रात को कैसे तैयार होता है. अब थोड़े वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं. स्लेंडर मतलब पतला, डायडम मतलब क्राउन, जो किंग क्वीन पहनते वो क्राउन होता है. बार्स मतलब पैचेस, जो दाग होते हैं वो. रफल्स मतलब जो एक स्मूथ सरफेस होगा, एकदम लिस्सा सरफेस होगा, उसको डिस्टर्ब करना, उसके ऊपर को खरोच लाना. पोएम पढ़ते हैं. ऑटम, द ऑटम कम्स अ मेडन फेयर इन स्लेंडरनेस एंड ग्रेट. शरद ऋतु आती है एक पहला मेला परिश्रम और अनुग्रह में. विथ नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर एंड रिलीज इन हर फेस, उसके बालों में चावल के टुकड़े को हिलाते हुए और उसके चेहरे पर लिली छा गई है. इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड एंड एज शी मूव्स अलॉन्ग बर्ड्स ग्रीट हर विथ देयर कूइंग ग्लैड. घास के फूलों में वह पहने जाती है और जैसे ही वह साथ चलती है पक्षी उसे सहर्ष अभिवादन करते हैं. लाइक अ ब्रेसलेट स्टिंकलिंग सॉन्ग, ब्रेसलेट के झुंझुनाने वाले गीत की तरह, अ डेडम एडॉर्न्स द नाइट, रात को एक क्राउन की तरह उसका होता है. ऑफ मल्टीडोनियस स्टार्स, बहुजातीय सितारों की, हर सिल्कन रोब इज वाइट मून लाइट, सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, उसका रेशमी बाग सफ़ेद चांदनी है, बादल छतों से मुख सेट करे.
एंड ऑन अ फेस द रेडियंट मून बिविचिंग स्माइल्स आर शोन, और उसके चेहरे पर एकदम ब्राइट चांद जैसा मुस्कुराते हुआ दिखाया गया है। शी सीम्स अ स्लेंडर मेड हु सून विल बी अ वुमन ग्रोन, वो एक पतली नौकरानी लगती है जो जल्दी बड़ी हुई स्त्री होगी। इंग्लिश वर्कशॉप, फाइंड थ्री लाइन्स ईच दैट कंटेन्स इमेज ऑफ नेचर द इन द ऑटम सीजन, तीन लाइन बताने हैं जो दिन के दौरान और रात में ऑटम के बारे में डिस्क्राइब करती है पोयम में। तीन लाइन ईच, दिन के बारे में तीन लाइन और रात के बारे में तीन लाइन। क्वेश्चन नंबर टू, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग, लिस्ट देम इन कॉलम ए, सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विद अनदर वर्ड और फ्रेज ऑफ द सेम मीनिंग। तीन कॉलम में, फर्स्ट में वर्ड्स दिए गए, सेकंड में पोएटिक वर्ड्स यूज करने और बी कॉलम बी में अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। द ऑटम, उसको पोएटिक वर्ड में द मेडन फेयर बोलते हैं, और उसके अपने ओन वर्ड्स में क्या लिखोगे वो फिल करना है। स्टार्स, स्टार्स का पोएम में क्या यूज़ किया गया है और अपने वर्ड्स में क्या लिखोगे, और दूसरे वर्ड्स है मूनलाइट, कोइंग ऑफ बर्ड्स। द ऑटम मतलब शरद ऋतु, स्टार्स मतलब तारे, मूनलाइट मतलब चांद की रोशनी, कोइंग ऑफ बर्ड्स मतलब बर्ड्स का आवाज़ करना, पक्षियों का आवाज़ करना। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड आउट एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम, पोएम में से एग्जाम्पल निकालना है सिमिली और मेटाफर का। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, पोएम का राइम स्कीम के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाई इज मेडन ऑटम सेड टू वेयर राइस स्टेम्स इन हर हेयर, मेडन ऑटम अपने बालों में राइस स्टेम्स क्यों पहनती है। बी, हाउ कैन द टेंडर मेडन ऑटम बिकम अ फुल ग्रोन वुमन, जो जवान ऑटम थी वो पूरी बड़ी बूढ़ी स्त्री कैसे बनेगी। व्हाट चेंज इन नेचर डज दिस इम्प्लाई, ये किस चेंज नेचर का, प्रकृति का किस चेंज बताता है। व्हाई डू यू थिंक बर्ड्स ग्रीट द ऑटम सीजन ग्लैडली, तुम्हें क्यों लगता है कि पक्षियाँ ऑटम को स्वागत करती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंपेयर द इंडियन मानसून सीजन टू पावरफुल किंग ऑफ अ प्रॉस्परस किंगडम, राइट अ फ्यू सिमिलैरिटीज, यूज देम टू कंपोज अ पोएम ऑफ योर ओन। इन भारत के बारिश के सीज़न को एक पावरफुल, एक शक्तिशाली राजा से कंपेयर करो जिसके पास बहुत धन हो, और उसके बीच में सिमिलैरिटी ढूंढो क्या क्या दोनों में कॉमन है, और उसके बेसिस पे एक पोएम लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच इज़ योर फेवरेट पोएम, फेवरेट नेचर पोएम फ्रॉम योर मदर टंग, तुम्हारे मदर टंग मातृभाषा में से तुम्हारे सबसे फेवरेट पोएम नेचर के बारे में कौन सा है। राइट द पोएम एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, वो पोएम लिखो और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। योर ट्रांसलेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पोएम और पैराफ्रेज, ये ट्रांसलेशन एक पोएम या फिर एक पैराफ्रेज के फॉर्म में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर एट, रीड द ओड टू ऑटम बाय द फेमस पोएट जॉन कीट्स, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये पोएम रीड करना है। थैंक यू।